मैंने स्टार्ट किया है जिम से, क्योंकि हमारा जो लास्ट व्लॉग था हमारा मॉर्निंग वॉक कुछ ऐसा, उस पर बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे कि आपने बताइए जिम जाने का बोल के वॉक पे निकल गए, हमें बेवकूफ बना दिया, व्यूवर्स को बेवकूफ बना दिया। तो इसलिए आज मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग ही जिम से कर ली, क्योंकि जिम मुझे काफी टाइम से जाना था, मतलब मुझे तो नहीं जाना था बट हाँ आज मैं गई हूँ क्योंकि मुझे सीरियसली अपना वेट गेन करना है, मुझे थोड़ा फिट होना है। तो मैंने सोचा इवनिंग का टाइम है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस मैंने दिखा दिए, टाइमिंग का भी आप वहाँ जाकर खुद पता करना। तो यहाँ पर मैं अपने डाइट चार्ट की बात कर लेती हूँ, ट्रेनर यही है जिनसे मैं बात कर रही हूँ भैया से, एंड जो पीछे से आ रहे हैं वो यहाँ के मैनेजर है, ये देख ले ठीक है। तो ये मैं स्टेडियम की बात कर रही हूँ जो 12-22 के पास है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है अभी, क्या ही बस देख के आए हैं, अच्छा लगा, अंदर का बड़ा इंटीरियर अच्छा था और ये कार्ड लेके आए हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर लो गाइस, मेरी हालत ऐसी रही है और जो इनका कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो गाइज यहाँ के बेसिक ट्रेनर की जो चार्जेस हैं वो है 6,000 पर मंथ, और मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बॉडी पे इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। एंड अब आई हूँ तो मैं बैडमिंटन, डांस और जो मेरा फेवरेट है वॉलीबॉल, मैं वो सब कॉस्ट पता करके जाऊँगी। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगी, पता भी लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, टाइम नहीं होता उनके पास, बट आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर लेना। बस हम इतना ही कहेंगे, ये जिम वाला जो सीन है, मेहनत भी खुद करो, पैसे भी खुद दो, वो भी 6,000 रुपया हम नहीं देगा। हमारा दिल टूट गया है, चूर चूर हो गया है। हम पहुंच गए हैं इंडोर स्टेडियम में, इसके अंदर जाएगा, बैडमिंटन का सीन देखेगा और अंदर ही डांस क्लासेस भी है, एंट्री करना है। आओ अब हम आ गए हैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल और डांस वाले एरिया में। यहाँ पे आपको जो फील्ड दिख रहा है वो आप एक घंटे के लिए प्रॉपर बुक कर सकते हैं। इसमें 4 बंदों के साथ खेलो, 2 बंदों के साथ खेलो, अकेले खेलो, 1 घंटे के लिए ये पूरा फील्ड आपका। इसकी फुल डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी गाइज। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आओ विजिट करो और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, 1 घंटे अपने को फिट करना है, टाइम देना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी यहाँ की वाइब्स भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको चलो पूरी डिटेल्स देती हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम बैडमिंटन के सेक्शन में गए थे और हमें ये मिल गया है 4 कूपन कोड जिसपे है 30% ऑफ, और इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो वो मैं बताती हूँ ठीक है। तो जो एक फील्ड होता है ठीक है बैडमिंटन का, आप उसमें 4 प्लेयर्स भी ला सकते हो, 2 प्लेयर्स भी खेल सकते हो साथ में, उसके चार्जेस है 460 रुपये ठीक है। एंड अगर आपको ये कूपन मिलता है, मीन्स ये एक दिन में एक कूपन का यूज़ कर सकती हूँ, और इस पर मुझे इस कूपन को अगर मैं रिडीम करती हूँ तो मुझे 30% ऑफ मिल जाएगा। इट मीन्स 460 में 30% ऑफ करके आपको इसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। एंड मैं आ सकती हूँ 4 दिन, आप 4 बंदों को भी ला सकते हो, खेलो को दो जितने टाइम, मतलब शायद ये टाइम के अकॉर्डिंग है, तो आप आओ यहाँ पे और ये चीज़ें पूछ लो, इसके साथ आप जाओगे तो आपको बेहतर छूट मिल जाएगी गाइस। तो बस मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, चलो अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ मिलता है तो आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें से कोई पोज नहीं कर सकती, आप लोगों को क्या ही करते हैं, चलो कुछ करके दिखा दूँ। यार कल सच में ईद है, नहीं ईद है कि पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो गाइस नोएडा के हम ऐसे पार्ट में हैं, सॉरी नोएडा स्टेडियम के ऐसे पार्ट में हैं जहाँ पे आपको ये लेकिन मिल जाएगा, और अब यहाँ पर आपको बर्तन बैंक भी मिल जाता है, यहाँ से आप निःशुल्क बर्तन ले सकते हो। और यहाँ पे एसिड सर्वाइवर्स का कैफे है, इधर आपको वो दिख जाता है टाइकांडो क्लासेस। तो आइए सबके मौज लीजिए, देखिए अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, मैं इसीलिए तो आई हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो बहुत नॉलेजफुल चीज़ें दिखा दी बता दी, अब आपको बेस्टेस्ट पार्ट दिखाती हूँ जो स्टेडियम का मुझे लगता है, वो ये है कैफे जो एसेट सर्वाइवर्स के थ्रू चलाया जाता है, जो कि आप गेट नंबर 4 पे भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, आई थिंक हर कॉर्नर पे। तो चलो आपको यहाँ की खास चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं। और इनकी जो प्राइजेस है ना वो मिनिमम से मिनिमम रहते हैं, लाइक देखो यहाँ पे सूप आपको मिल रहा है 120 रुपीज़, यहाँ से।
जैसी है, मतलब वो मैगी नॉर्मल मैगी ऐसी नहीं आ रही। आप तो टेस्ट करिए कृपया करके। मैं ब्लॉग बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती गाइस, अगर इसका मज़ा लेना है तो आप यहाँ पे आएँ, खुद खाएँ और ख़ुद बताएँ कि कैसा लग रहा है। फील करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं खाने के बाद बताती हूँ आपको। तरह से खाया है एक एक मैगी के टुकड़े। डोंट वेस्ट फूड। तो ये बॉल पूरा खत्म हो गया। चलो यार डस्टबिन ढूंढने में इतना टाइम लग गया। मैंने मैगी खाया, हाथ धुला, फिर टिश्यू फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढा, और ढूंढने के लिए मतलब मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा, चार पांच पेड़ों के बाद मुझे मिल गया डस्टबिन। तो आप आओ तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भैया बताएंगे इधर है इधर है, तो आप ऐसे जा रहे हैं देखोगे, इसलिए आगे जाओ दिख जाएगा। बाय गाइस, इस स्टेडियम के निर्माता योगी आदित्यनाथ। शाम को 4 बजे से 9 बजे तक 30 रुपये आधे घंटे। क्या यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है भाई, पढ़े आए ले जाए। साइकिल किराया 20 रुपये आधे घंटे, बच्चों की 10 रुपये आधे घंटे, पहचान पत्र अनिवार्य। और यहाँ पे साइकिल अंकल जी कैसे साइकिल, ये जो बाहर लिखा हुआ है मतलब ऐसा तो नहीं कि साइकिल के अकॉर्डिंग आप प्राइस देते हो, कोई भी ले सकते हैं। 20 रुपये आधा घंटा है, चटनी खाओ, चटनी दे जाए, चटनी दे दीजिए। तो कौन खट्टी लाए मीठी वाली, घर पर खाना खाए नहीं, खट्टी वाली लाए, खट्टी खट्टी वो कुछ सैली टाइप की है तो ले आओ। अंकल जी इसका क्या प्राइस है? 20 रुपया कि आप ऐसे भी ले जा सकते हो, एक बार ट्राई कर लो। बजा दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, अंकल जी इसकी सीट ऊपर जा रही है। कोई बात नहीं, चला लीजिए, कल टाइट होगी सीट, फिर आगे टाइट करेगा। चलाइए, बीच में बैठिए। आती है अंकल जी अगर ट्रीट करेंगे। जब सारा स्टेडियम एक्सप्लोर करते शाम से रात करी दी थी, तो सोचा साइकिल भी चला लेती हूँ, और साइकिल चलाने के बाद जो कांड हुआ है वो आप देखिए गाइस। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 10-20-30 रुपए के आपको आधे घंटे के लिए साइकिल मिल जाती है। आप साफ हो जाएगा, ठीक है फाइन, कोई बात नहीं। आ गया साइकिल का मजा मिल गया मजा। तो भाई ये लड़ गया है मेरे पैरों में। सच्ची घटनाओं पर आधारित ज्ञान। जा रहे हो साइकिल चला रहे हो, और साइकिल आप रेंट पे ले रहे हो तो शूज पहन के ही चलाना, वरना आपके पैर भी ऐसे ही चोट लगने वाली है। उठाकर आपको लेकर चली जाती और तुरंत इमरजेंसी में एकदम दवा इलाज करके मेरे यहाँ छोड़ देती। मैं फोन करता आपके घर और मम्मी पापा आकर उठा ले जाते, लेकिन ट्रीटमेंट करा कर हम लोग फोन करते घर पर। साफ कर दिए, चलिए इसे साफ कर दीजिए, जल्दी से सूखने वाले दवा दीजिए। वैसे भी ठीक हो जाता हूँ, एक दो दिन में इतनी भी नहीं लगी थी। चमड़ा कट जाएगा तो उसको हम काट के निकाल भी देते इतनी भी नहीं लगी थी मैं। क्या क्लोजिंग करूं गाइस, आपको सारे अंदर की चीजें दिखा दी मैंने, लास्ट में चोट लगा ली उसका सोल्यूशन भी दिखा दिया, साइकिलिंग भी कर सकते हो, ये बेस्ट पार्ट है।
हमने 1000 रुपीज देकर के एक दिन के लिए साइकिल लिया था, परथला ब्रिज गए थे, उसके बाद हमने उसका ब्लॉग स्पेशली मतलब ब्लॉग के लिए ही लिया था हमने। एंड यहाँ पे आप आओ 20 रुपए में कितना 1.5 से 2 किलोमीटर चला सकते हो, मतलब 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए मिलेगा और आप 1.5 किलोमीटर चला सकते हो। सो आप आए और यहाँ पे एक्सप्लोर करें, खुद को फिट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइज़।